मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रोनाउन का सिक्स्थ पार्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि कोई भी जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए किया जाता है, यानी कि वो डेफिनेट नहीं है, उसके बारे में निश्चित यानी कि हम उनको नहीं बता सकते कि कितनी संख्याएं हैं उनकी, तो वो कहलाता है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कुछ लिखे मैंने यहाँ पे, वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ऑल। ठीक है, अगर हम इनको यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो वो ये सब कहलाते हैं हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर जो वन वर्ड लिखा है मैंने, इसके बारे में एक नियम है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है, वन एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और वो किस प्रकार है, यदि वाक्य में इसका प्रयोग यानी कि वन का प्रयोग वाक्य में कर्ता के रूप में यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यदि हम इसको यूज करते हैं, इसके साथ हम हमेशा पोजेसिव केस के अंदर क्या करते हैं, वंस का प्रयोग करते हैं, वन लिख के और इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, और जिसमें हम हिज या हर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वाक्य है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ पर हम हिज या हर ड्यूटी नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो बाकी हमारे शब्द हैं, समवन, समबडी, एनीबडी, ऑल, एनीबडी, एनीबडी, इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हिज का, अगर जेंडर क्लियर नहीं है। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं हम, अन्य सभी इंडेफिनिट के जो प्रोनाउन हैं उनके साथ पोजेसिव केस में हमेशा हिज का प्रयोग करते हैं। जैसे समवन हैज डन हिज ड्यूटी, ठीक है, यहाँ पर हमें जेंडर क्लियर नहीं है कि जिन्होंने अपनी मतलब ड्यूटी निभाई है वो कौन है। ठीक है, तो उसके बारे में हम समवन, यानी कि समवन को अगर हम देखें, समवन क्या है, कोई, पता नहीं हमें, वो अनिश्चित है। ठीक है, समवन हैज डन हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर हम हिज का प्रयोग करेंगे ना कि वंस का। ठीक है, तो बाकी ये सब हम इसके देख लेते हैं सेंटेंस एक बार, उनको हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है, नन इज परमिटेड टू लीव द प्लेस, यानी कि किसी को भी अपनी जगह छोड़ने की परमिशन नहीं है, यानी कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा, तो यहाँ पर जो नन शब्द है ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। उसके बाद है एनीबडी कैन डू दिस, कि इसको हर कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है, तो एनीबडी क्या है हमारा, कि कोई भी इसको कर सकता है, वो निश्चित नहीं है, कोई भी कर सकता है। सम आर इनएक्टिव, यानी कि कुछ जो है वो इनएक्टिव है, तो सम क्या है यहाँ पर हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है, कि कुछ जो है वो इनएक्टिव है, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि कितने इनएक्टिव है। ऑल आर जेंटल, सभी क्या है, जेंटल है, तो ऑल शब्द भी हमारा क्या है, इनडेफिनिट है, वो बता नहीं रहे वो कितने व्यक्ति हैं जो जेंटल है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स गोट गुड मार्क्स, यानी कि मैनी, मैनी जो वर्ड आया है ये भी हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन ही है, कि बच्चे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, लेकिन मैंने कई बच्चों ने, तो ये भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। उसके बाद है हमारा लास्ट, एनी ऑफ यू कैन अटेंड द फंक्शन, के फंक्शन को आप में से कोई भी, एनी ऑफ, तो कोई भी आप अटेंड कर सकता है, तो वो भी निश्चित नहीं है यहाँ पर कि कौन सा किसको अटेंड करना है, तो ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बारे में एक नियम और बता दूं, यदि इनडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे हमारा एनीबडी है, सम है, ऑल है, इस प्रकार के जो है, अगर हम इसको नाउन के साथ यूज करते हैं तब वो एडजेक्टिव का फंक्शन उन पर लगता है, न कि प्रोनाउन का। जैसे हम लिखते हैं सम बॉयज, ठीक है, सम बॉयज, तो ये बॉयज की एडजेक्टिव यानी कि उसकी विशेषता हो गई, तो ये प्रोनाउन लग के तो क्या लग जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो मिलते हैं हम अगला पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।